सब जनता कह रही है कि अब नीतीश कुमार को 2024 में 40 का 40 सीट हराने का काम करेगी और 2025 में नीतीश कुमार का निश्चित रूप से बिहार से विदाई समारोह का आयोजन किया जाएगा। तो क्या लगता है कि बीजेपी के साथ उपेंद्र कुशवाहा का गठबंधन लगभग तय है? 40 का 40 सीट महागठबंधन का खाता नहीं खुलने जा रहा है बिहार में। दोस्तों सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं और पाएं वीडियो सबसे पहले। 2024 में लोकसभा चुनाव होना है, जिसको लेकर पूरे देश में सभी राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी तैयारी कर रही है। अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल राजगीर स्थित कन्वेंशन सेंटर में राष्ट्रीय लोक जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा के नेतृत्व में 3 दिवसीय राजनीतिक शिविर का आयोजन किया गया था और हमारे साथ राष्ट्रीय लोक जनता दल के वरीय नेता सोनू कुशवाहा हैं। क्या कुछ 3 दिवसीय राजनीतिक शिविर में बातचीत हुई, क्या कुछ कार्यकर्ताओं को इंस्ट्रक्शन दिया गया है? 3 दिवसीय कार्यक्रम में सबसे पहले तो माननीय नेता ने सभी प्रखंड पंचायत से आए सभी पदाधिकारियों के बात को सुनने का काम किया। समाज में क्या प्रॉब्लम अभी चल रही है नीतीश कुमार और RJD की गठबंधन के बाद, ये सारी समस्या को सुना गया। जनता बेहाल और परेशान है, शराबबंदी से लगातार बिहार की आम जनता की मृत्यु हो रही है, शराबबंदी से परेशान है, जेल में डाला जा रहा है बिहार के आम जनता को। एक तरफ कानून बना के जेल में सीधे साधे लोगों को डाल रहे हैं और एक तरफ जो DM का हत्या हुआ वैसे लोगों को आप कानून बनाकर, जो कानून आप ही ने बनाया था कि इन लोगों को जेल में रखा जाएगा, उसको अपने राजनीतिक फायदा के लिए छोड़ने का काम कर रहे हैं और शराबबंदी का कानून लाकर आम जनता को परेशान किया जा रहा है, जेल में डाला जा रहा है, उनकी मृत्यु हो रही है नकली शराब पीने से, क्योंकि सरकारी मशीनरी पूरी तरह से बिहार सरकार का फेल है। आप अगर लागू करने का क्षमता नहीं है तो आपको शराबबंदी का नियम भी लागू करने का क्षमता नहीं, इसलिए आप इसको समीक्षा करके जो भी बिहार के जनता के हित में उसको कीजिए। और हत्या डकैती बलात्कार जैसी घटना जो 2005 के पहले होती थी, जिसके कारण आप बिहार के मुख्यमंत्री बनने का आपको बिहार की जनता ने मौका दिया था, अब फिर से बिहार की जनता ने ये ठाना है। सारे जिलों से समस्या को देखते हुए सब जनता कह रही है कि अब नीतीश कुमार को 2024 में 40 का 40 सीट हराने का काम करेगी और 2025 में नीतीश कुमार का निश्चित रूप से बिहार से विदाई समारोह का आयोजन किया जाएगा और उसके लिए हम लोगों को जिससे भी गठबंधन करना पड़े वो गठबंधन हम लोग करेंगे, जिसकी घोषणा माननीय नेता समय आने पर करेंगे। सोनू जी, हाल के दिनों में कुछ ये चर्चा चल रही है कि उपेंद्र कुशवाहा NDA में शामिल हो सकते हैं, तो क्या इन शिविर में वो भी बातें सामने आई है कि NDA में शामिल? नहीं, इस शिविर में इस तरह की कोई बात नहीं आई है। अगर NDA में जाना होगा तो NDA के बड़े नेता प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी और माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी का संयुक्त रूप से कार्यक्रम होगा बिहार में गांधी मैदान में बापू सभागार में, और उसमें आप सभी को बुलाकर निश्चित रूप से घोषणा करेंगे, कि क्योंकि घोषणा तो सारे दलों के नेता रहेंगे तभी होगा, हम खुद अकेले नहीं कर सकते हैं घोषणा। 2024 आगामी जो लोकसभा चुनाव है उसको लेकर आपके नेता के द्वारा क्या कुछ रणनीति बनाई गई है, क्या कुछ कहा गया है कार्यकर्ताओं को, किस हद तक तैयार रहने के लिए कहा गया है? हम लोगों को सबसे पहले सदस्यता अभियान पार्टी का चलाना है, उसके बाद जिला सम्मेलन चलेगा, उसके बाद पटना में एक बड़ा रैली हम लोग करने जा रहे हैं और इसी से सदस्यता अभियान के जरिए, जिला सम्मेलन के जरिए और पटना में रैली के जरिए हम लोग लोगों से जमीनी स्तर पर संपर्क करेंगे और उनको प्रॉब्लम तो वो फेस कर रहे हैं ऑलरेडी कि किस तरह से हत्या डकैती बलात्कार, स्वास्थ्य सुविधा, शिक्षा सुविधा बिहार में दुर्लभ हो चुकी है, वो सभी समस्या तो वो जानते हैं, बस हम लोग बताने का काम करेंगे कि आप हम लोगों के साथ जुड़िए और निश्चित रूप से सिंचाई, दवाई और कमाई, जो RJD आज कह रही है कि हमारा फॉर्मूला था, हम लोग भारत सरकार में मंत्री रहते माननीय नेता ने दिल्ली से बिहार सरकार के खिलाफ घोषणा किया था और हम लोग धरना प्रदर्शन भी किए थे, गांधी मैदान में रैली भी किए थे, बिहार की जनता को सिंचाई, दवाई और कमाई हम लोग की सरकार देगी, उस समय हम लोग NDA में थे और उस समय हम लोग घोषणा किए थे कि बिहार सरकार को हटाकर, उस समय भी महागठबंधन की सरकार चल रही थी और हम लोग घोषणा किए थे सिंचाई, दवाई और कमाई सिर्फ हम लोगों का फॉर्मूला है, RJD का फॉर्मूला नहीं है। सोनू जी, आपकी पार्टी महागठबंधन को किस रूप में चुनौती लेती है? महागठबंधन को हमारी पार्टी चुनौती ही नहीं लेती है। इस बार
झोला नहीं ट्रक से भर भर के हम लोगों के गठबंधन को वोट मिलने जा रहा है। महागठबंधन का कोई, जिस तरह से उनका अत्याचार बिहार में बढ़ रहा है, आप लोग देखे थे रावण का अत्याचार जब बढ़ा था तब श्री राम जी का जीत हुआ था, उसी तरह से इस बार होने जा रहा है। बिहार में इतना अत्याचार हो रहा है, हत्या डकैती बलात्कार, स्वास्थ्य सेवा सिंचाई सेवा दुर्लभ हो गई है लोगों के आसपास से, इसलिए उन लोगों का जो समर्थन है झोला और बोरा से नहीं अब ट्रक भर भर के हम लोगों के गठबंधन को मिलने जा रहा है और बिहार की जनता का विश्वास बनने जा रहे हैं श्री उपेंद्र कुशवाहा जी और इनका गठबंधन। तो क्या लगता है कि बीजेपी के साथ उपेंद्र कुशवाहा का गठबंधन लगभग तय है? देखिए ये बात हमने पहले भी आपको बताया कि ये घोषणा करने का दोनों दलों के बात हम लोग की निश्चित रूप से चल रही है। अमित शाह जी से बात हुई, बीजेपी के और वरिष्ठ नेता से बात हुई है, बात हम लोगों की चल रही है, लेकिन बिहार के जनता के हित में महागठबंधन को बिहार से उखाड़ फेंकने के लिए हम बता दिए कि जिसके साथ भी गठबंधन करना पड़े हम करेंगे, लेकिन घोषणा करने का जिम्मेवारी माननीय प्रधानमंत्री जी अमित शाह जी और माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी का है, जो वो लोग करेंगे, हम नहीं इसमें बता सकते। अच्छा, 40 लोकसभा सीट है बिहार में, अगर मान लीजिए उपेंद्र कुशवाहा किसी पार्टी के साथ गठबंधन करते हैं तो उस पार्टी या उस गठबंधन को कितना सीट आने का संभावना? हम ये बात आपको निश्चित रूप से कह देते हैं कि महागठबंधन के साथ हमारी पार्टी नहीं जाएगी। नीतीश कुमार जी को हम लोग सिर्फ इसलिए छोड़े, मंत्री और डिप्टी सीएम बनने के लिए नहीं छोड़े, उनका आप देखे होंगे मंत्री नीतीश जी खुद बना रहे थे, लेकिन इन्होंने एक ऐसा मात्र नेता है जो बोलने का काम किए प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि हमें मंत्री नहीं बनना, याद होगा आप लोगों को। इन्होंने पार्टी जब छोड़ी, जब राष्ट्रीय जनता दल के युवराज को माननीय मुख्यमंत्री ने बता दिया कि मुख्यमंत्री अगला बार आप ही होंगे, उस बिंदु पर इन्होंने पार्टी छोड़ने का काम किया। तो 2024 में कितना सीट यानी उपेंद्र? टोटल 40 का 40 सीट, महागठबंधन का खाता नहीं खुलने जा रहा है बिहार में। तो ये हमारे साथ राष्ट्रीय लोक जनता दल के नेता सोनू कुशवाहा, जिनका साफ तौर पे कहना है कि इस बार लोकसभा के चुनाव में झोला नहीं बल्कि ट्रक से इन्हें वोट मिलेगा और महागठबंधन का बिहार में लोकसभा में खाता भी नहीं खुलेगा। दोस्तों सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं और पाएं वीडियो सबसे पहले।